हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही खास और भक्तिमय होने वाला है। आज हम आपको ले जाएंगे हनुमान जी के ननिहाल। जी हाँ दोस्तों, ये पावन भूमि है हमारे सारण जिला के रिवीरगंज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और देखिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस पावन भूमि पे दोस्तों। गौतम ऋषि का मंदिर बिहार के छपरा जिला से महज 6 किलोमीटर की दूरी पे है। गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना और अहिल्या माता उनकी नानी हैं। श्री राम ने यहाँ आकर अहिल्या जी का उद्धार किया था। आपको बता दें कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर यानी कि शिला में बदल जाने का श्राप दिया था। वहीं जब श्री राम यहाँ आए तो उनके चरण के स्पर्श से ही माता अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिली और उन्हें फिर से मानव रूप प्राप्त हुआ। ये मंदिर लगभग 1768 ईस्वी में बनाया गया था। इस मंदिर की खूबसूरती और यहाँ का प्राकृतिक दृश्य काफ़ी मनोरम और आकर्षक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और इस पावन भूमि के दर्शन कीजिए। इस मंदिर में हनुमान जी, श्री राम, लक्ष्मण, माता दुर्गा, शिव जी एवं शिवलिंग, राधे कृष्ण, गौतम ऋषि एवं उनकी पत्नी माता अहिल्या एवं पुत्र और पुत्री माता अंजना एवं श्रीधान जी की प्रतिमा स्थापित है। आइए बात करते हैं यहाँ के 108वें महंत श्री राम दयालु दास जी से और जानते हैं विस्तार पूर्वक इस मंदिर के बारे में। आज हम गौतम मंदिर के महंत से बात करेंगे, आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बाबा जी आपका शुभ नाम? महंत राम दयालु दास। और बाबा जी, ये माना जाता है ऐसा कि यहाँ पे माता अहिल्या का भी यहाँ पे उद्धार किया गया था श्री राम के द्वारा, तो उसके बारे में विस्तार से हमें बताइए। गौतम जी का 3 युग आश्रम है। असली आश्रम जो है जहाँ पर उनका निवास था, गौतम
दरभंगा जिला कंपाउंड स्टेशन के पास में गौतम कुंड है। वहाँ पर ब्रह्मा ने अपने मन से विश्व सुंदरी सृष्टि किए थे, अहिल्या ले जाकर छाती के रूप में दे दिए थे। वहाँ अहिरौली में से लेकर, जो कि भोजपुर जिला में अहिरौली है, ले जाकर वहाँ छाती के रूप में दे दिए। जब तक हम नहीं आएंगे तब तक एक अहिल्या को आप अपने पास में रखिए। उस समय जब बीत गया तो उनको याद आया कि विश्व सुंदरी मैंने उत्पन्न किया था, ब्रह्मा ने चले उसको देखे थे किस अवस्था में, जाकर देखते हैं कि जिस अवस्था में दिए थे उसी अवस्था में अहिल्या थी। तब उन्होंने सोचा कि आपसे बढ़ गौतम जी से बढ़कर ब्रह्मचर्य कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको दे देता हूँ। गौतम जी को दे दिए। दे देने के बाद में जब वो उनसे एक सतान लड़का हो गया और एक लड़की हुई अंजनी। अंजनी को सतान को वहाँ बता दिए कि त्रेता में रामावतार होगा, रामचंद्र जी आएंगे बक्सर में तार एसी में, सीता स्वयंवर जनकपुर जाएगा, राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर उसमें आएंगे, उसी जगह सतानंद को राम से भेंट हो जाएगा। और गौतम जी वहाँ से यहाँ सारण वन में गंगा और सरयू के संगम पर तपस्या करने के लिए चले आए। कुछ दिन जब समय व्यतीत हो गया तो इंद्रदेव को कामदेव जागे। कामदेव जागे तो उन्होंने चंद्रमा को बुला कर पूछा कि संसार में सबसे सुंदर उनकी नारी है। वही चंद्रमा ने बताया कि संसार में सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो श्राप के कारण पथल हुई है। तो कारण था कि यहाँ 4 बजे भोर में देरी, यहाँ जब चले आए तो 4 बजे भोर में देरी गौतम जी स्नान करने गंगा जी में जाते थे। देरी स्नान करने के लिए जाते थे। इंद्रदेव पूछे कि तब ऐसी कैसे होगा, मुलाकात कैसे होगा, तो वे चंद्रमा को बताए कि आप कपट के मुर्गा बनिए, आप 4 बजे का जगह पर 12 बजे रात्रि को मुर्गा का बोली बोल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, गौतम जी समझ जाएंगे कि भोर हो गया, चले जाएंगे स्नान करने के लिए, हम उनकी कुटी में घुस जाएंगे। तो वही हुआ, गौतम जी 4 बजे का जगह पर 12 बजे रात्रि को मुर्गा का, यह मुकलेरा ग्राम है, उसी जगह मुर्गा का बोली बोल दिए। तो गौतम जी समझे कि 4 बज गए, अब चलिए स्नान करने के लिए। स्नान करने जाते हैं तो जब गांव के किनारे पर गए तो गंगा जी बोली, यह ऋषि आप निशाबद रात को आए हैं स्नान करने के लिए, आप चले जाइए, आपके घर में छोड़ हो रहा है। तो उन्हें लौट कर आकर देखता है तो गौतम जी का भेष धारण करके इंद्र महाराज यही अप्रभ्रंश होकर इन्हें हो गया, इंद्रपुरी था, इसी में छिपे हुए थे, यहाँ चले आए थे अहिल्या के पास में। तो गौतम जी लौट कर आकर देखते हैं तो उनके कुटी से निकल रहे हैं। तो अहिल्या से आकर पूछे कि बताओ ये कौन आदमी है जो मेरा भेष धारण करके आया है, अब तो हम क्या जानते हैं कि आप हैं कि कौन हैं। तो ठीक है, उनको ब्रह्म ऋषि का पत्नी होकर तुमको यह नहीं मालूम होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति है या हमारे पुरुष हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ अपना पति और प्रजापति तुमको पहचान में नहीं आया, इसलिए जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो बोली कि तुम मेरा उद्धार कब होगा, वही बोले कि त्रेता में रामावतार होगा, रामचंद्र आएंगे बक्सर में तार का सुबह उनको वध करेंगे, इसी मार्ग से सीता स्वयंवर राजा जनक के यहाँ जाएंगे, उसी समय में तुम्हारी उद्धार हो जाएगी। जब त्रेता आया त्रेता वहाँ सीता स्वयंवर रचाया, सीता स्वयंवर में यहाँ बक्सर में तार का सुबह ऐसी विश्वामित्र मुनि के तंग करते थे, इसलिए राम को अयोध्या से मांग कर लाए थे, राम और लक्ष्मण को द्वारका सुबह को वध करने के लिए।
वहाँ बस कराए और विश्वामित्र मुनि का यज्ञ सफल हुआ, तब तक निमंत्रण अयोध्या नहीं गया था। राजा जनक जानते थे कि विश्वामित्र मुनि जो है विश्वामित्र मुनि के साथ में मेरे पुत्र हैं राम लक्ष्मण, तो उन्हीं के यहाँ निमंत्रण आया विश्वामित्र के यहाँ। विश्वामित्र मुनि लेकर जब चले तो शिला पड़ी हुई थी, तो पूछे राम जी शिला कैसी पड़ी है गुरु जी, तो गौतम नारी श्राप बसो उपल देह धरि धीर चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर हुई है, यदि आपका चरण स्पर्श हो जाएगा तो पुनः नारी बनकर चली जाइए अपने पति के यहाँ। तो वही हुआ, राम ने चरण छुआया और वो फिर पुनः नारी बन गई और चली गई किष्किंधा, जो कि बम्बई में है किष्किंधा, उसी गौतम जी के यहाँ चली गई। और तब यहाँ से राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर जनकपुर में गए। तो बाबा जी, और जैसे यहाँ गौतम ऋषि जैसे कि माने थे हनुमान जी के नाना जी थे, तो ये ननिहाल भी कहलाते ये हुआ, तो इसे विस्तार में बताइए। गौतम जी की जो लड़की थी अंजनी, वो अंजनी का शादी हुआ था किष्किंधा के राजा था केसरी, अच्छा, केसरी से शादी हुआ। हाँ, वो शादी होने पर से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए अहिल्या जो है चाहे यहाँ महावीर जी का ननिहाल माना जाता है। इसके पीछे कोई नदी है ना जहाँ बहती है? एक पहले तक गंगा सरयू का संगम था, अच्छा, तो सरयू नदी है। ये मंदिर कितना पुराना है लगभग? मंदिर तो बहुत पुराना है, 1768 में मंदिर बना है। ऐसे चरण था, लोग आते थे भगवान के चरण को गोल लाग कर चले जाते थे, लेकिन 1768 में मंदिर बना है, जो कि राम उस समय में औरंगजेब का राज था। औरंगजेब ने बोला कि राम का इस तरीका से मंदिर बनेगा, मस्जिद नुमा बनाइए गौतम जी का। तो मस्जिद नुमा इसलिए मंदिर बना हुआ है गौतम जी का, राम का तब इस तरीका से बना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।